आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो कहानी आपको मजबूर कर देगी खुद पर भरोसा करने के लिए। ये कहानी है एक 20 साल के लड़के की जो गांव में रहता था। वो लड़का बड़ा ही जिद्दी और मेहनती था। उसका मानना था कि जब भी वह भगवान से प्रार्थना करता है तब बारिश होने लगती है, इसलिए गांव के किसान उसके पास जाते और बारिश के लिए प्रार्थना करने को कहते और वह जब भी प्रार्थना करता तब सच में बारिश होने लगती। इस वजह से गांव के किसान उस लड़के से काफी खुश थे। कुछ दिनों के बाद उस गांव में एक शहर का व्यक्ति आता है। उसे जब उस लड़के के बारे में पता चलता है तो उसे इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं होता। वह उस लड़के के पास जाकर उससे पूछता है कि क्या सच में जब तुम प्रार्थना करते हो तो बारिश होने लगती है। वो लड़का कहता है, हाँ मैं भगवान से जब भी बारिश के लिए प्रार्थना करता हूँ तब सच में बारिश होने लगती है। वह व्यक्ति कहता है, चलो ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या सच में तुम्हारे प्रार्थना करने पर बारिश होती है। वह लड़का कहता है, ठीक है, तथा वह भगवान से प्रार्थना करने लगता है। उस दिन बारिश का मौसम जरा भी नहीं था। वो लड़का एक घंटे तक भगवान से प्रार्थना करता है फिर भी बारिश नहीं होती। वह लगातार 10 घंटों तक भगवान से प्रार्थना करता है फिर भी बारिश नहीं होती। इसी तरह वह 15 घंटे लगातार भगवान से प्रार्थना करता है तब जाकर बारिश होने लगती है। ये देखकर गांव वाले बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और शहर वाला व्यक्ति थोड़ा हैरान हो जाता है। वह व्यक्ति उस लड़के के पास जाता है और देखता है कि उस लड़के की हालत उतनी सही नहीं है, क्योंकि वह लड़का लगातार 15 घंटे से बिना कुछ खाए पिए बारिश के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था। फिर उस व्यक्ति ने लड़के से पूछा, ये सब तुमने कैसे किया? वो लड़का थोड़ा मुस्कुराकर कहता है, मैं दो चीजों पर यकीन करता हूँ, सबसे पहले अपनी किस्मत और दूसरी अपनी मेहनत। मैं यह मानकर प्रार्थना करता हूँ कि मैं जब भी प्रार्थना करूँगा तब बारिश अवश्य होगी, और दूसरी मैं तब तक प्रार्थना करता हूँ जब तक कि बारिश शुरू ना हो जाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में किसी काम को तब तक करना चाहिए जब तक उस काम में हमें कामयाबी हासिल ना हो जाए। यदि आपको गांव के लड़के की यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।